बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चूनिया कैंपस से अब्दुर्रहमान आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम वेव्स एंड ऑसिलेशन का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशंस। उसका सेकंड टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस तरह हम सब जानते हैं, ये फिज़िक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर गेन, बट टोटल अमाउंट रिमेन कॉन्स्टेंट। इट कैन बी ट्रांसफर फ्राम वन फॉर्म इन टू अनदर फॉर्म। उसी तरह आज हमने ये डिस्कस करना है कि सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर भी इस लॉ को ओबे करता है। सिंपल हारमोनिक मोशन में भी इनर्जी कंजर्व रहेगी। चलें स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको, इनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हारमोनिक मोशन। एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल इनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, वी ऑल नो दैट एफ इज इक्वल टू के एक्स। एज द वर्क डन ऑन द ब्लॉक स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू एफ डॉट के एफ डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रल। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए, मीन पोजीशन से हम उसको एक्सट्रीम तक ला रहे हैं और हम ब्लॉक पे वर्क करेंगे और वो वर्क हमारा अपीयर होगा ब्लॉक में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज क्वाइट सिंपल वन। वर्क डन ऑन द ब्लॉक इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन अपीयर्स एज इंक्रीजेज एज स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। And here U represents the potential energy. U is equal to F dx, इसका integral. According to Hooke's law, F हमारे पास kx है, dx. K constant है, integral से बाहर आ गया. X की integration students क्या हो जाएगी, x square over 2. So potential energy का हमारे पास formula develop हो गया है, U is equal to 1/2 kx square. एज फॉर सिंपल हारमोनिक मोशन ऑफ द ब्लॉक इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हमारे पास होता है। पुट इन अबव इक्वेशन, यू इज इक्वल टू 1/2 के और एक्स की जगह हम ये अपना डिस्प्लेसमेंट पुट कर लेंगे जी, तो ये हो जाएगा एक्स एम स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन। लेट सी, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एज द मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो बिकॉज ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 90। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट मीन पोजिशन पे जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री है और कॉज 90 क्या होगा, जीरो के बराबर होता है। और जब हम इसको यहां पुट करेंगे कॉज 90, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो यहां पे साबित हो रहा है कि मीन पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एज एट एक्सट्रीम पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो डिग्री। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एंगल है वो जीरो डिग्री है और कॉस जीरो वन के बराबर होता है। और जब हम इस फार्मूले में कॉस जीरो पुट करेंगे एंड कॉस जीरो वन के इक्वल, सो पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्केयर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इतनी बात का खुलासा कर लें, सबसे पहले हमने वर्क डन की हेल्प लेके पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिवेलप किया है, देन हमने इसको मीन पे डिस्कस किया है और हम जानते हैं मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है क्योंकि अभी उसकी पोजीशन भी जीरो है और मैं आपको फेज एंगल से पढ़ा रहा हूँ, फेज एंगल 90 डिग्री है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आ जाएगी। और एक्सट्रीम पोजिशन पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो चुका होता है
और फेज एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 1, और बाकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। मैंने इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अभी हमने बात भी की, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से लिखते हैं। द वेलोसिटी इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, उसकी वेलोसिटी कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट था, उसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, एक्स एम एज इट इज, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा, वो हमने ये पहले लिख लिया है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। अब इसको हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लेके आना है, तो यहाँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी पुट करेंगे जो कि ये रही माइनस एक्स एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसका होल स्केयर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हाफ एम, और ये रहा आगे वी स्केयर। काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्केयर, वी की वैल्यू हमने लिखी और उसका जब स्केयर करेंगे तो ओमेगा स्केयर हो गया, एक्स एम स्केयर हो गया, साइन स्केयर हो गया, और नेगेटिव साइन स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगी। अब हमारे पास पिछले टॉपिक में हमने ओमेगा प्रूव किया था, ओमेगा इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ के ओवर एम, एंड ओमेगा स्केयर आ जाएगा के ओवर एम, एंड इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ओमेगा स्केयर एम इज इक्वल टू के, और यहाँ पुट कर दिया जी, ओमेगा स्केयर एम की जगह क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आ गई 1/2 के एक्स एम स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई जी। अब फिर उसी तरह काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिवेल्प कर लिया स्टूडेंट्स हमने, तो हम इसको लेके चलते हैं मेन पोजिशन पे और एक्सट्रीम पोजिशन पे। एज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, मेन पोजीशन का दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है, हम इसे रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, बिकॉज मेन पोजीशन पे ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड स्टूडेंट्स आप मेरे साथ एग्री करेंगे, साइन 91 और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी साबित हो रही है मैक्सिमम। तो पता चला कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। एट एक्सट्रीम पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, बिकॉज फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव वो जीरो डिग्री है और साइन जीरो जीरो के बराबर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन विल बी मिनिमम विल बी इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी और दोनों को मीन एक्सट्रीम पे भी डिस्कस किया, और अब हम देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट्स द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ई फॉर टोटल एनर्जी, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एंड के ई फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने फार्मूला इसका ड्राइव किया है अभी, 1/2 के एक्स एम स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड काइनेटिक एनर्जी 1/2 के एक्स एम स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ से स्टूडेंट्स 1/2 के एक्स एम स्केयर कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये एक बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस वन इज इक्वल टू 1। हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई 1/2 के एक्स एम स्केयर। सो अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये 1/2 के एक्स एम स्केयर है। इसका मतलब हुआ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हम मीन पे देखें टोटल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्केयर है, हम एक्सट्रीम पे देखें टोटल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्केयर है, लेकिन टोटल एनर्जी जो मीन पे थी वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, और टोटल एनर्जी
जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर कहीं पे भी हम दोनों का सम करें वी गेट हाफ के एक्स एम स्केयर। और ये एक प्रूफ है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। ओके स्टूडेंट्स।